इससे पहले मैंने बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तमाम स्थलाकृतियों की व्याख्या प्लेट किनारों के सहारे करता है। अध्ययन की दृष्टि से इन प्लेटों के किनारे ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो पर्वत पठार जैसी स्थलाकृतियां हों, ज्वालामुखी पर्वत हो, या महासागरों के खड्ड हों जिन्हें हम ओसनिक ट्रेंच कहते हैं, चाहे ओसनिक रिज हो, मध्य महासागरीय कटक हो, या फिर भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं हों जो भूगर्भीय घटनाएं होती हैं, उन सभी की व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्लेट किनारों के सहारे करता है। मैंने बताया था कि प्लेट किनारे तीन प्रकार के होते हैं, रचनात्मक, विनाशी और संरक्षी प्लेट किनारा। रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे पदार्थ का निर्माण होता है, नए क्रस्ट का निर्माण होता है, कहाँ, महासागरों में कटक के सहारे, रिज के सहारे निर्माण होता है। वहीं विनाशी प्लेट किनारे के सहारे पदार्थ का विनाश होता है, यानी क्रस्ट का विनाश होता है। इस तरह से क्रस्ट के निर्माण और विनाश की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। हमारी पृथ्वी का जो बाहरी क्रस्ट है उसके निर्माण और विनाश की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। जहां एक तरफ महासागरों में क्रस्ट का निर्माण होता है, वहीं महाद्वीपों पर या महाद्वीपों के पास तटों पर क्रस्ट का विनाश होता है। हमने कल रचनात्मक प्लेट किनारे तक आपको अच्छे से समझाया था जो कि महासागरों में होते हैं। अब आइए हम विनाशी प्लेट किनारे को समझते हैं। विनाशी प्लेट किनारे के सहारे जहां विनाश होता है ना, जिस किनारे के सहारे विनाश होता है उसे विनाशी किनारा कहते हैं। तो विनाशी प्लेट किनारे के सहारे दो प्लेटें आमने सामने अभिसरित होती हैं, मतलब टकराती हों, अभिसरण की क्रिया को हम कन्वर्जन कहते हैं या कन्वर्जेंसी कहते हैं। तो विनाशी प्लेट किनारे के सहारे प्लेटें आमने सामने टकराती हैं, विनाशी प्लेट किनारे के सहारे क्रस्ट का विनाश होता है। जहां रचनात्मक किनारे के सहारे निर्माण होता है, वह विनाशी प्लेट किनारे के सहारे क्रस्ट का विनाश होता है। दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो निश्चित रूप से एक प्लेट का घनत्व तो ज्यादा होता है और दूसरी प्लेट का घनत्व तो कम होता है। आमतौर पर जो प्लेट महासागरीय होती है उसका घनत्व तो अधिक होता है, महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व तो कम होता है। मैं फिर से बता दूं, प्लेटें महासागरीय भी हो सकती हैं और महाद्वीपीय भी हो सकती हैं, लेकिन महासागरीय प्लेट का घनत्व तो अधिक होता है, महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व तो अपेक्षाकृत कम होता है। इसलिए जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें टकराती हैं या फिर समान प्रकृति के प्लेटें भी अगर टकराएंगी तो धक्का वही प्लेट लगाएगी जिसका घनत्व तो अधिक होगा। तो मैंने बताया कि महासागरीय प्लेट का घनत्व तो अधिक है, इसलिए स्वाभाविक रूप से महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट को पीछे ढकेलती है और मेंटल में प्रवेश कर जाती है। तो आमने सामने अभिसरण की प्रक्रिया में अधिक घनत्व वाली भारी प्लेट कम घनत्व वाली हल्की प्लेट को पीछे ढकेल देती है और उसके नीचे मेंटल में प्रवेश कर जाती है। क्लियर। प्लेटें तीन प्रकार, प्लेटें महासागरीय भी हो सकती हैं और महाद्वीपीय भी। चूंकि प्लेटें महासागरीय भी हो सकती हैं और महाद्वीपीय भी, इसलिए प्लेटों के मध्य अभिसरण की तीन परिस्थितियां होती हैं। इसलिए प्लेटों के मध्य अभिसरण की, अच्छा हम बता दें यहां पे थोड़ा डिटेल आपको दे दें कि जब अधिक घनत्व वाली भारी प्लेट मेंटल में प्रवेश कर जाती है तो 100 किलोमीटर की गहराई में जाकर गर्मी अधिक होती है, ताप अधिक होता है, इसलिए पिघल जाती है। पिघल जाती है तो लावा का निर्माण होता है। जहां पर लावा का निर्माण होता है उसे बेनियाफ जोन कहते हैं। बेनियाफ जोन में लावा बनता है। अगर पास में कहीं समुद्र है, हमने कहा एक महाद्वीपीय है और एक महासागरी है, अगर पास में कहीं समुद्र है तो समुद्र से उसे जलवाष्प मिलता है। जलवाष्प क्या करता है, उसमें बहुत ताकत होती है, जलवाष्प स्वतंत्र होना चाहता है। जब जलवाष्प ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पानी जब लावा से मिलेगा तो क्या बनेगा, जलवाष्प बनेगा। ये जलवाष्प जो कमजोर प्लेट होती है उसके दरारों के सहारे ऊपर उठता है, यानी जलवाष्प कमजोर प्लेट की दरारों को तोड़कर बाहर निकलता है और जलवाष्प के साथ ही लावा भी बाहर निकल जाता है। और यही लावा ऊपर स्थित प्लेट पर ज्वालामुखी के विस्फोट के रूप में प्रकट होता है। जब क्षेपित होने वाली, क्षेपण मतलब डंप होना, क्षेपण मतलब डंप होना, अधिक घनत्व वाली प्लेट जो डंप होती है वो क्या करती है, कम घनत्व वाली प्लेट को पीछे ढकेल देती है ना। इसे हम कंप्रेशन कहते हैं, हिंदी में संपीड़नात्मक बल। अधिक घनत्व वाली प्लेट संपीड़नात्मक बल यानी कंप्रेशन द्वारा, कंप्रेशन फोर्स द्वारा कम घनत्व वाली प्लेट को पीछे ढकेलकर नीचे मेंटल में घुस जाती है। तो
इससे जो कम घनत्व वाली प्लेट होती है उसका अगला भाग विरूपित हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है। ये देखिए मुड़ गया है, उसके चलते मुड़ गया तो उसके ऊपर का जो मलबा होता है महाद्वीपी या महासागरी मलबा मुड़कर वलित हो जाता है, फोल्डेड हो जाता है, जिससे पर्वतों का निर्माण हो जाता है। अगर यह क्रिया महासागरों में हो रही है तो महासागरों में पर्वत का निर्माण न होके द्वीपों का निर्माण हो जाता है, जैसे जापान और फिलीपींस द्वीप, ये सब सागर तली है जो ऊपर उठ गया है, सागर तली ऊपर की तरफ उठ गई जैसे जापान और फिलीपींस पहाड़ की तरह। तो साथ ही क्षेपित होने वाली प्लेट जैसे पैसिफिक प्लेट, अभी हम इनका अलग अलग बताएंगे आपको, अभी समझा रहा हूं। क्षेपित होने वाली प्लेट जिस स्थान पर दूसरी प्लेट से रगड़ खाती है वहां पर भूकंप मूल होता है ना, वहां पर भूकंप के तेज झटके आते हैं, वहां पर भूकंप का केंद्र होता है, यहां पर भूकंप के तेज झटके आते हैं। और लावा जब ऊपर उठता है तो कमजोर प्लेट को तोड़कर ऊपर निकलता है, जिससे ऊपर स्थित जो भी हो, या तो पर्वत हो सकता है या द्वीप हो सकता है, वहां पर ज्वालामुखी क्रिया चलती रहती है। इसलिए और साथ ही अधिक घनत्व वाली प्लेट जहां पर मेंटल में क्षेपित होती है वहां पर महासागरी खड्ड का निर्माण हो जाता है। अगर यहां पर सागर तली है तो आप स्वाभाविक रूप से देख पा रहे हैं कि यहां सागर तली की गहराई इतनी है और यहां पर सागर तली ज्यादा गहरा है। यही है मेरियाना ट्रेंच, यानी एक प्लेट दूसरी प्लेट के पास जाकर जहां नीचे मेंटल में जाती है वहीं पर महासागरी खड्ड यानी ओशनिक ट्रेंच का निर्माण हो जाता है। क्लियर? ये जो चित्र बना है ये एक तरफ पैसिफिक प्लेट है, दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट है। पैसिफिक प्लेट यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य जो अभिसरण की क्रिया है वो महासागर में संपन्न होती है, महाद्वीप पर नहीं होती है। इधर भी महासागर है, इधर भी महासागर है। अब आइए देखते हैं। तो मैंने बताया कि विनाशी प्लेट किनारे के सहारे पदार्थ का यानी क्रस्ट का विनाश होता है। क्षेपण की प्रक्रिया में अधिक घनत्व वाली भारी प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट को पीछे ढकेलकर नीचे मेंटल में प्रवेश कर जाती है और 100 किलोमीटर की गहराई में जाकर विन्यास जोन का निर्माण करती है जहां लावा का निर्माण होता है। अगर इस लावा को जलवाष्प कहीं से मिलता है तो जलवाष्प के माध्यम से यह लावा ऊपर स्थित प्लेट को तोड़कर ज्वालामुखी क्रिया के रूप में प्रकट होता है। चूंकि प्लेटें महाद्वीपी भी हो सकती हैं और महासागरी भी, इसलिए प्लेटों के मध्य अभिसरण की तीन परिस्थितियां होती हैं। पहला महासागर महासागर अभिसरण, महासागर महासागर कन्वर्जन। दूसरा महाद्वीप महासागर अभिसरण यानी कन्वर्जन। तीसरा महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण, यानी महासागरी और महासागरी प्लेटों के मध्य अभिसरण, महाद्वीपी और महासागरी प्लेटों के मध्य अभिसरण और दो महाद्वीपी प्लेटों के मध्य अभिसरण, है ना, टकराए। एक या तो महासागरी महासागरी प्लेट आपस में टकरा सकती है, महाद्वीपी प्लेट महासागरी से टकरा सकती है और महाद्वीपी प्लेट स्वयं महाद्वीपी प्लेट से टकरा सकती है। चूंकि प्लेटें महासागरी भी हो सकती हैं महाद्वीपी, स्वाभाविक रूप से प्लेटों के मध्य अभिसरण की तीन परिस्थितियां बनेंगी। हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे महासागर महासागर अभिसरण का। महासागरी यानी दो महासागरी प्लेटों के मध्य अभिसरण हो रहा है, टकराव हो रहा है। दो महासागरी प्लेटों के मध्य अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण पश्चिमी प्रशांत महासागर है। दो महासागरीय प्लेटों के मध्य अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण पश्चिमी प्रशांत महासागर है। यह है पूर्वी प्रशांत महासागर और यह है पश्चिमी प्रशांत महासागर। आप देखिए एशिया के पूर्व में जो जापान और फिलीपींस द्वीप जहां पर हैं वहीं पर यह अभिसरण यानी कन्वर्जन संपन्न हो रहा है। तो दो महासागरीय प्लेटों के मध्य अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण पश्चिमी प्रशांत महासागर है, जहां मग्न ढाल के सहारे यानी मग्न तट के सहारे, भाई जब आप समुद्र में प्रवेश करते हो तो पहले तट होता है, फिर मग्न ढाल आता है, फिर समतल मैदान आता है। जिस तरह से महाद्वीपों पर समतल मैदान होते हैं उसी तरह महासागरों में भी गहराई पर जाने पर समतल मैदान मिलता है। तो जब हम महासागरों में प्रवेश करते हैं तो पहले धीरे धीरे गहराई बढ़ती है तो तट होता है, जब अचानक गहराई बढ़ने लगती है तो उसे हम कहते हैं मग्न ढाल। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में मग्न ढाल के सहारे पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य अभिसरण की क्रिया हो रही है। ये दोनों प्लेटें, हालांकि यूरेशियन प्लेट महाद्वीपी है लेकिन चूंकि यह अभिसरण कहां संपन्न हो रहा है, महासागर में संपन्न हो रहा है। यूरेशियन प्लेट महाद्वीपी है नो डाउट, लेकिन चूंकि यह अभिसरण महासागर में संपन्न हो रहा है इसलिए हम इसे दो महासागरीय प्लेटों के मध्य अभिसरण कहते हैं।
ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में मग्न ढाल के सहारे अधिक घनत्व वाली, उसी को हमने यहां पर चित्र बना के समझाया है। आप चित्र को थोड़ा समझ लीजिए। यहां पर अब देखिए ये नीली लाइन क्या शुरू कर रही है, ये पानी भरा हुआ है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है पानी भरा हुआ, ये महासागरी क्षेत्र है। महासागरी क्षेत्र में नीचे एक तरफ पैसिफिक प्लेट दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट दिखाई दे रही है। ये यूरेशियन प्लेट मुड़ गया, वलित हो गया, फोल्डेड हो गया, इससे जो महासागरी मलबा है उठकर समुद्र सतह से ऊपर चला आया। हम थोड़ा सा कहानी इसको लिखना नहीं है, समझ लेंगे तो जब हम इसको बोलेंगे समझाएंगे वो लिखना होता है। तो अब देखिए ये मुड़ गया, इसने इसको धक्का दिया, पीछे ढकेला, ये फोल्डेड हो गया, वलित हो गया, मुड़ गया, तो इसका जो मलबा है समुद्री मलबा ऊपर उठाया, ऊपर उठाया कहां, सागर सतह से ऊपर, तो द्वीप का निर्माण हो गया। जापान द्वीप, फिलीपींस द्वीप का निर्माण, पूरे पश्चिमी प्रशांत महासागर में ढेर सारे द्वीपों की श्रृंखला दिखाई देती है। आप देखिए यहां से लेकर यहां अलास्का के पश्चिम में अलुशियन द्वीपी चाप है, फिर सखालीन द्वीपी चाप है, उसके बाद जापान द्वीपी चाप है, उसके बाद फिलीपींस द्वीपी चाप है, उसके बाद पापुआ न्यू गिनी जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। यानी इस पश्चिमी प्रशांत महासागर में मग्न ढाल के सहारे आपको ढेर सारे द्वीपों की श्रृंखला दिखाई देती है। ये द्वीप श्रृंखला बद्ध रूप में दिखाई देते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इतने सारे द्वीप कहां से बने, इसी प्रक्रिया से बने। अधिक घनत्व वाली प्लेट ने कम घनत्व वाली प्लेट को पीछे ढकेला, ये फोल्डेड हो गया, वलित हो गया, मलबा सागर सतह से ऊपर उठा, और अलुशियन द्वीपी चाप से लेकर, जब मैप में देखेंगे अलुशियन द्वीपी चाप से लेकर सखालीन, जापान, फिलीपाइन, पापुआ न्यू गिनी तक के क्षेत्र में ढेर सारे द्वीपों का निर्माण हो गया। जब ये प्लेट नीचे 100 किलोमीटर की गहराई में पहुंचती है तो बेनियाफ जोन का निर्माण होता है, जहां लावा का जनन हो जाता है, क्योंकि यह तापमान बहुत ज्यादा है, प्लेट पिघल जाती है। यह लावा ऊपर स्थित यूरेशियन प्लेट की दरार के सहारे निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जलवाष्प है, महासागरीय क्षेत्र है, महासागरीय क्षेत्र में पानी की कमी है, वो पानी जब लावा से मिलता है तो भाप बनता है, ये भाप ऊपर स्थित यूरेशियन प्लेट के कमजोर दरारों को तोड़ते हुए ऊपर स्थित द्वीपी चापों पर प्रकट होता है और ज्वालामुखी क्रिया का रूप धारण करता है, विस्फोट के रूप में। यही कारण है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में चाहे जापान हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे पापुआ न्यू गिनी हो, सभी द्वीपों पर ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लावा जैसे जैसे एक के ऊपर एक जमा होता जाता है, पहाड़ का रूप ले लेता है। तो द्वीपी चापों पर जब ज्वालामुखी क्रिया लगातार होती रहती है कुछ वर्षों के अंतराल पे, तो लावा जमते जमते पहाड़ का रूप ले लेता है। यही कारण है कि इन सभी पश्चिमी प्रशांत महासागर में जितने भी द्वीप हैं उन पर क्या पाया जाता है, ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। जैसे जापान का फ्यूजियामा हो गया, और भी है, इसके अलावा फिलीपींस में माउंट ताल, माउंट मयान, माउंट पिनाटिबो है ना। तो और साथ ही, और ये ज्वालामुखी पर्वत किसी एक द्वीप पर नहीं है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में जितने भी द्वीप हैं इन सभी में ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। इसका मतलब ये सभी जो ज्वालामुखी, इतनी ज्यादा ज्वालामुखी क्रिया यहाँ पे होती है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर रिंग ऑफ फायर के आधे भाग का निर्माण करता है। रिंग ऑफ फायर का आधा भाग कहाँ है, पूर्वी प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी क्रिया है ना। तो रिंग ऑफ फायर के आधे भाग का निर्माण पश्चिमी प्रशांत महासागर कर देता है, ठीक है। अब जहां पर पैसिफिक प्लेट जो कि अधिक घनत्व वाली है रगड़ खाकर नीचे जाती है, यूरेशियन प्लेट में रगड़ उत्पन्न करती है, ये तीन तीन गोल निशान लगे हैं, रेड कलर के तीन स्पॉट हैं, ये रगड़ का क्षेत्र है। जब ये पैसिफिक प्लेट यूरेशियन प्लेट पर कंप्रेशन बल लगाकर, कंप्रेशन फोर्स लगाकर नीचे प्रवेश करती है, संपीड़नात्मक बल लगाकर, तो यूरेशियन प्लेट पर रगड़ उत्पन्न होता है, जिससे ऊपर स्थित द्वीपी चेप, जो द्वीपी चाप हैं, चाहे जापान हो चाहे फिलीपींस, एकदम थर्रा जाते हैं, धरती हिल जाती है, कांप जाती है। यही कारण है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में जितने द्वीपी चाप हैं, पूरा का पूरा पश्चिमी प्रशांत महासागर में न केवल ज्वालामुखी क्रिया होती है बल्कि भूकंप की सबसे ज्यादा घटनाएं पश्चिमी प्रशांत महासागर में ही संपन्न होती है। इसके अलावा जहां पर पैसिफिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे प्रवेश कर रही है वहां पर महासागर की तली काफी गहरी हो जाती है। आप देखिए यहां पर गहराई केवल इतनी है, यहां पर गहराई ज्यादा है, तो इससे यही कारण है कि यहां पर महासागरी खड्ड का निर्माण होता है। चूंकि पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट भूपटल की दो सबसे बड़ी प्लेटें हैं,
है ना। ये दोनों भूपटल की दो सबसे बड़ी प्लेटें हैं, यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर भूपटल के दो सबसे बड़े प्लेटों के मध्य का अभिसरण क्षेत्र है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र में न केवल ढेर सारे द्वीपीय चाप पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में ज्वालामुखी और भूकंप की अधिकांश घटनाएं होती हैं, और साथ ही भूकंप के तीव्र दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप के झटके इसी पश्चिमी प्रशांत महासागर में आते हैं। क्यों? क्योंकि भूपटल की दो सबसे बड़ी प्लेटें हैं ये। ठीक है, हम अभी पढ़ा क्या रहे हैं, महासागर महासागर अभिसरण। अब इसको आप ऐसा लिखेंगे जैसे मैं बोल रहा हूं, ये तो मैं एक चित्र समझा रहा था कि चित्र में बना क्या है। तो महासागर महासागर प्लेट का सबसे अच्छा उदाहरण पश्चिमी प्रशांत महासागर है, जहां अधिक घनत्व वाली यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेटों के मध्य अभिसरण मग्न ढाल के सहारे हो रहा है। अभिसरण की इस प्रक्रिया में अधिक घनत्व वाली पैसिफिक प्लेट कम घनत्व वाली यूरेशियन प्लेट को संपीड़न बल कंप्रेशन फोर्स द्वारा पीछे ढकेल देती है, जिसके चलते यूरेशियन प्लेट का अग्रभाग मुड़कर वलित हो गया। इसके परिणाम स्वरूप महासागर तली पर जो चट्टानी मलबा था मुड़कर जब वलित हो गया तो सागर सतह से ऊपर उठ गया। वलित होकर सागर सतह से ऊपर उठने के चलते पश्चिमी प्रशांत महासागर में ढेर सारे द्वीपों का निर्माण हुआ। ये द्वीप श्रृंखलाबद्ध रूप में बनते हैं, इन्हें हम द्वीपी चाप कहते हैं, क्योंकि ये श्रृंखलाबद्ध रूप में बनते हैं एक के बाद एक। अल्यूशियन द्वीपी चाप से लेकर सखालीन द्वीपी चाप, जापान द्वीपी चाप, फिलिपाइन द्वीपी चाप होते हुए पापुआ न्यू गिनी तक के क्षेत्र में अनेक द्वीप समूहों का विकास हुआ है। छेपित होने वाली यानी डंप होने वाली पैसिफिक प्लेट जब 100 किलोमीटर की गहराई में पहुंचती है तो बेनियाफ जोन का निर्माण होता है, जहां लावा का निर्माण हो जाता है। चूंकि यह महासागरीय क्षेत्र है इसलिए जलवाष्प की कमी नहीं है, यह लावा जलवाष्प के सहारे ऊपर स्थित यूरेशियन प्लेट के कमजोर दरारों को तोड़ते हुए ऊपर स्थित द्वीप समूहों पर ज्वालामुखी क्रिया के रूप में प्रकट होता है। ऊपर स्थित जापान फिलीपींस जैसे द्वीप समूहों पर ज्वालामुखी क्रिया के रूप में प्रकट होता है, और जब लगातार लावा का जमाव होने से इन सभी द्वीपों पर ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। यानी यह लावा ऊपर स्थित द्वीपों पर प्रकट होता है और धीरे धीरे ज्वालामुखी पर्वत का रूप धारण कर लेता है। यही कारण है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में जितने भी द्वीप हैं उन सभी द्वीपों पर ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर में अल्यूशियन द्वीपी चाप से लेकर जापान फिलीपींस पापुआ न्यू गिनी तक के क्षेत्र में अनेक ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं, और ये पूरा क्षेत्र रिंग ऑफ फायर के आधे भाग का निर्माण करता है। पैसिफिक प्लेट जिस स्थान पर यूरेशियन प्लेट से टकराती है वहां पर रगड़ उत्पन्न होती है। इस रगड़ का प्रभाव सबसे ज्यादा यूरेशियन प्लेट पर रहता है। इसके चलते यूरेशियन प्लेट के ऊपर स्थित द्वीपों पर भूकंप के तीव्र झटके आते हैं। पूरे पश्चिमी प्रशांत महासागर में भूकंप के और ज्वालामुखी की क्रियाएं हर साल घटित होती रहती हैं, यानी भूकंप और ज्वालामुखी का क्षेत्र है। छेपित होने वाली यानी डंप होने वाली पैसिफिक प्लेट जिस स्थान पर छेपित होती है वहां पर महासागर तली काफी गहरी हो जाती है। इसके चलते पश्चिमी प्रशांत महासागर में अल्यूशियन द्वीपी चाप से लेकर पापुआ न्यू गिनी तक के क्षेत्र में अनेक महासागरी खड्डों यानी ट्रेंच का निर्माण हुआ है। चूंकि यह भूपटल की दो सबसे बड़ी प्लेटों के मध्य अभिसरण क्षेत्र है इसलिए दुनिया के सबसे गहरे महासागरी गर्त कहां पाए जाते हैं, पश्चिमी प्रशांत महासागर में ही दुनिया के सबसे गहरे महासागरी गर्त पाए जाते हैं, ट्रेंच पाए जाते हैं सबसे गहरा, और सबसे ज्यादा महासागरी ट्रेंच भी पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, जैसे मरियाना ट्रेंच है ना, फिलीपींस ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, और भी आप मैप पे देखेंगे तो बहुत सारे ट्रेंच हैं। वास्तव में पश्चिमी प्रशांत महासागर या पश्चिमी प्रशांत महासागर का मग्न ढाल वाला क्षेत्र विश्व के दो सबसे बड़े प्लेटों के मध्य का अभिसरण क्षेत्र है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र में अल्यूशियन द्वीपी चाप से लेकर पापुआ न्यू गिनी तक के क्षेत्र में अनेक द्वीप समूहों का विकास हुआ है। इन सभी द्वीपों पर ज्वालामुखी शिखर पाए जाते हैं, यहाँ पर भूकंप के तेज झटके आते हैं, और
अनेक महासागरी खड्डों का भी इस क्षेत्र में, यानी गर्तों यानी ट्रेंच का भी इस क्षेत्र में निर्माण हुआ है। अब आप समझ गए कि विनाशी प्लेट किनारे के सहारे कैसे पदार्थ का विनाश हो रहा है। आपने देखा कि यहां पदार्थ का विनाश हो रहा है क्योंकि पदार्थ मेंटल में जा रहा है। इसके अलावा विनाशी प्लेट किनारे के सहारे, इस प्रकार विनाशी प्लेट किनारे के सहारे पर्वत निर्माण, द्वीपी चापों का निर्माण, महासागरी खड्डों का निर्माण, भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाओं की व्याख्या आसानी से हम कर पाते हैं। क्लियर। महासागर, महासागर अभिसरण के बाद अगला बारी है महाद्वीप महासागर अभिसरण। महाद्वीप महासागर अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण पूर्वी प्रशांत महासागर है। महाद्वीप महासागर का सबसे अच्छा उदाहरण पूर्वी प्रशांत महासागर है, जहां महाद्वीपी प्लेट है एंडीज और महासागरी प्लेट है नजका। हम बता दें आपको कि ऐसे तो प्रशांत पैसिफिक प्लेट है, मूल प्लेट क्या है, पैसिफिक प्लेट है, लेकिन ये पैसिफिक प्लेट का आधा भाग है। पैसिफिक प्लेट का आधा भाग इधर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में पैसिफिक प्लेट में भी दरार पड़ गया है। आप समझ पा रहे होंगे ये दरार है। दरार क्या शो करता है कि प्लेट विपरीत दिशा में खिसक रही है। तो पूर्वी प्रशांत महासागर में पैसिफिक प्लेट में दरार पड़ गया है, जिसके चलते प्लेट में विभाजन शुरू हो गया है, विस्थापन शुरू हो गया है, अपसरण शुरू हो गया है ना। तो इसके चलते एक दूसरी प्लेट का निर्माण हो गया है, जिसे हम नजका प्लेट कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिकी प्लेट से, सॉरी अमेरिकी प्लेट से टकराने वाली प्लेट प्रशांत प्लेट नहीं है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट से टकराने वाली प्लेट प्रशांत प्लेट नहीं है, बल्कि उसी का एक उपभाग है। नजका प्लेट कोई स्वतंत्र प्लेट हम नहीं गिनते हैं, यह पैसिफिक प्लेट का ही एक भाग है। तो पैसिफिक प्लेट मूल रूप से दक्षिण अमेरिकी प्लेट से नहीं टकराती, बल्कि नजका प्लेट टकराती है। वास्तव में नजका प्लेट पैसिफिक प्लेट का ही एक भाग है। आप देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में यह हो गया मध्य महासागरी कटक, जो कि अटलांटिक महासागर में है, मध्य महासागरी है ना, मिडल ओशनिक रिच। ये पूरा हो गया अमेरिकन प्लेट जो कि महाद्वीपी है, और यह है आपका यहां से लेकर यहां तक नजका प्लेट। ये जो लाल रेखा है ये दोनों प्लेटों के मध्य अभिसरण क्षेत्र दिखा रहा है। नजका प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, दोनों प्लेटों के मध्य अभिसरण यानी कन्वर्जन कहां हो रहा है, इस क्षेत्र में हो रहा है। आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो महासागर महाद्वीप महासागर प्लेट के मध्य अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण पूर्वी प्रशांत महासागर है, जहां महाद्वीपी दक्षिण अमेरिकी प्लेट और महासागरी नजका प्लेट के मध्य अभिसरण की क्रिया हो रही है। यह महाद्वीपी एंडीज और यह महासागरी नजका प्लेट। यह अभिसरण बिल्कुल तट के समीप होता है, यानी महाद्वीप पर ना होकर बिल्कुल महाद्वीप ही तक है। ये देखिए ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी किनारा है, जो व्हाइट लाइन है। ये जो येलो लाइन है ये अभिसरण क्षेत्र है दोनों प्लेटों के मध्य, क्योंकि महाद्वीप भले ही छोटा है उसके नीचे स्थित प्लेट बड़ी होती है। तो यह है अभिसरण क्षेत्र, इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है। इसके चलते टकराव के चलते छेपड़ किस प्लेट का होगा, हमने कहा डंप कौन सी प्लेट होगी, डंप वही होगी जिसका घनत्व यानी डेंसिटी ज्यादा होगा, और ज्यादा डेंसिटी किसका होगा, हमेशा महासागरी प्लेट का होता है। तो ये है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के नीचे ये है नजका प्लेट जो डंप होकर छेपित होकर मेंटल में चली गई, एस्थेनोस्फीयर में चली गई, और ये है महाद्वीपी दक्षिण अमेरिकी प्लेट, इसके ऊपर वलित पर्वत एंडीज का निर्माण हुआ है। इसकी व्याख्या कर देते हैं। अब आपने समझ लिया लिखेंगे कैसे। महाद्वीपी महासागरी प्लेट के मध्य अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण पूर्वी प्रशांत महासागर है, जहां महाद्वीपी दक्षिण अमेरिकी प्लेट और महासागरी नजका प्लेट के मध्य अभिसरण की क्रिया हो रही है। अभिसरण की इस प्रक्रिया में अधिक घनत्व वाली नजका प्लेट का दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे छेपण हो रहा है। दक्षिण नजका प्लेट के छेपण के परिणाम स्वरूप यानी डंप होने के परिणाम स्वरूप अमेरिकी दक्षिण अमेरिकी प्लेट कंप्रेशन बल यानी संपीड़नात्मक बल द्वारा विरूपित हो गया, फोल्डेड हो गया। इसके नजका प्लेट के छेपण यानी डंप होने के परिणाम स्वरूप दक्षिण अमेरिकी प्लेट का अग्रभाग यानी आगे वाला भाग कंप्रेशन फोर्स द्वारा यानी संपीड़नात्मक बल द्वारा मुड़कर वलित हो गया, जिससे दक्षिण अमेरिका प्लेट के ऊपर स्थित जो महाद्वीपीय मलबा था मुड़कर वलित हो गया, फोल्डेड हो गया। इसके चलते परिणाम स्वरूप दुनिया के सबसे विशाल और लंबाई में सबसे अधिक एंडीज पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई। किन दो प्लेटों के मध्य अभिसरण का परिणाम है, नजका प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट। क्लियर। जब नजका प्लेट छेपित होकर
100 किलोमीटर की गहराई में डंप होकर 100 किलोमीटर की गहराई में पहुंचती है तो लावा का निर्माण होता है। यह लावा ऊपर स्थित कमजोर प्लेट के दरारों के सहारे ऊपर निकलती है और एंडीज पर्वत पर ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो बार बार एक ही बात नहीं लिखेंगे, महाद्वीप महाद्वीप में वही लिखिए, महासागर महासागर में वही लिखिए, फिर महाद्वीप महासागर में, नहीं, एक बार जो बात कह दी है दोबारा उसे नहीं लिखना है। अब इसके बाद आप लिखेंगे कि चूंकि अभी दोनों प्लेटों में अभिसरण की यह क्रिया, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि चूंकि महाद्वीपी और महासागरी प्लेटों के मध्य अभिसरण की प्रक्रिया बिल्कुल तट के समीप होती है, इसलिए ज्वालामुखी क्रिया और वलित पर्वतों का निर्माण और भूकंप के झटके और महासागरी खड्ड बिल्कुल तट के साथ साथ पाए जाते हैं। इसको बस इतना ही लिखेंगे। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे महासागर महासागर में पूरी वर्णन किया, तो बार बार उतना ही वर्णन नहीं करना है। आपने मैकेनिज्म क्या है, तरीका क्या है बता दिया ना, तो यहाँ संक्षिप्त में इतना कहेंगे कि चूंकि महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के मध्य अभिसरण बिल्कुल तट के समीप होता है, इसलिए यहाँ पर निर्मित होने वाले वलित पर्वत, महासागरी खड्डों का निर्माण और ज्वालामुखी क्रियाएं तट के साथ साथ संपन्न होती हैं, ये दूर दूर नहीं रहती हैं। आप देखेंगे ये तट के बिल्कुल पास महासागरी खड्ड पाया जाता है, यह पेरू ट्रेंच, चिली ट्रेंच, पेरू ट्रेंच यहाँ पे है, चिली ट्रेंच यहाँ पे है, बिल्कुल तट के पास पास है, है ना। इसी प्रकार ज्वालामुखी क्रिया भी बिल्कुल वलित पर्वतों के साथ साथ पाई जाती है। ऊपर जो भी ज्वालामुखी पर्वत होगा, सॉरी ऊपर जो भी वलित पर्वत होगा, यानी जितने भी तटीय वलित पर्वत होते हैं, अगर कोई वलित पर्वत तट के पास है तो वहां पर ज्वालामुखी क्रिया जरूर हो रही होगी, क्योंकि समुद्र पास में है, समुद्र पास में है तो पानी की कमी नहीं है, यह लावा ऊपर उठता है, ज्वालामुखी क्रिया के रूप में वलित पर्वत के ऊपर प्रकट हो जाता है। तो एंडीज पर्वत पर, हाँ, तो इस जितने भी दुनिया में तटीय वलित पर्वत हैं, फोल्डेड माउंटेन, तट पर, कोस्ट पर स्थित, उन सभी पर ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सबसे बड़ा है इक्वेडोर का कोटोपैक्सी। इसके अलावा ये जो पीले पीले कलर के शिखर बनाए गए हैं ज्वालामुखी पर्वत के निशान हैं। एंडीज पर्वत पर कुल 22 ज्वालामुखी शिखर पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी शिखर एंडीज पर्वत पर पाए जाते हैं। हो गया, ये आपने पढ़ा महाद्वीप महासागर अभिसरण। हम जिस तरह समझाते रहे वैसे लिखते रहिए। आप सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थी हैं, IAS बनने की आप तैयारी कर रहे हैं। मैं हमेशा यही कहूँगा कि मैं जो चीज़ कह रहा हूँ और जब कहता हूँ कि इसे लिखना है उसे लिख लिया करिए, अपनी एक रफ कॉपी बनाइए। जब आप मेरी बात को सुनते हुए लिखेंगे ना तो आपके दिमाग में उलझन बढ़ेगी, उलझन बढ़ेगी तभी कल्पनाशीलता बढ़ेगी। आपको मैं हलवा बना के नोट्स भेज सकता हूँ, क्या जरूरत है पढ़ाने की, ना पढ़ाऊँ कल से नोट्स दे दूं, काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। इसलिए हलवा कभी काम नहीं आता है। मैं जिस तरह से समझा रहा हूं आप लिखिए। मैं आपसे वादा किया है कि आपको एक हफ्ते 10 दिन जब पढ़ा लिया करूंगा तो इकट्ठा नोट्स प्रेषित कर दिया जाएगा। उसके लिए मुझे समय चाहिए, 1 दिन 2 दिन का पूरा। मैं आपको नोट्स भेजा करूंगा, बिलीव मी। इसलिए नोट्स के लिए परेशान ना होइए, जब समझा रहा हूं तो उसको चित्र बनाकर लिखते रहिए। आप जितना ही उलझेंगे तभी तो सुलझेंगे, क्योंकि दिमाग का जो पेंच होता है ना, जब तक उसे टाइट नहीं करेंगे तो ढंग से काम नहीं करेगा। हाँ, अब अगली बारी है महाद्वीप महासागर अभिसरण, महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण।
पृथ्वी सागर जमा औषधि मलबा यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, जो औषधि चट्टान होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, यहाँ पे है, यह है पृथ्वी सागर में जमा औषधि मलबा। जब इंडियन प्लेट महाद्वीपी महाद्वीपी प्लेटों के मध्य अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेटों के मध्य अभिसरण की क्रिया। क्लियर? थोड़ा पहले चित्र को समझा दें कि चित्र में क्या है। ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट के दक्षिण में पृथ्वी सागर है, ये प्रायद्वीपीय भारत है जो अफ्रीकी महाद्वीप से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है। प्रायद्वीपीय भारत है जो अफ्रीकी प्लेट से टूटकर या अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है। यह प्रायद्वीपीय भारत जब यूरेशियन प्लेट के पास पहुंचता है तो बीच में पृथ्वी सागर में जमा औषधि मलबा है। वह मलबा मलबे की क्षैतिज परतें अगर ऐसी थीं तो दबाव इधर से भी पड़ा, इधर से भी पड़ा, इसके चलते क्षैतिज परतें कैसी हो गई? मुड़कर वलित हो गई। क्लियर? जब दोनों तरफ से दबाव पड़ता है तो चट्टानों की क्षैतिज परतें नहीं रह पाती हैं, वो उनमें कंप्रेशन होता है जिसके चलते वो फोल्डेड हो जाती है, मुड़कर वलित हो जाती हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर पृथ्वी सागर में जमा औषधि मलबा है उसी मलबे के मुड़ने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, उसी का ये चित्र बनाया गया है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई? यह है इंडियन प्लेट, ये है ऊपर यूरेशियन प्लेट। यहाँ पे एक अजीब सी बात देख रही है कि यहाँ यूरेशियन प्लेट को ऊपर क्यों दिखाया गया है? यहाँ पे तो आपने देखा कि दोनों प्लेटें आमने सामने दिखाई गई हैं, कहाँ? प्रशांत महासागर में। इसी तरह से आपने पूर्वी प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पास भी देखा कि प्लेटें आमने सामने दिखाई गई हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूरेशियन प्लेट को ऊपर दिखाया गया है, इंडियन प्लेट को नीचे दिखाया गया है। क्यों? दोनों महासागरीय प्लेट है, जिसमें ताकत ज़्यादा होगी वो दूसरे को ऊपर उठा के नीचे घुस जाएगा, जिसमें ताकत ज़्यादा होगी फोर्स ज़्यादा होगा, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो कमजोर वाले को ऊपर उठा के नीचे घुस जाएगा। बात समझ गए? तो इंडियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट को ऊपर उठा दिया जिससे तिब्बत जैसा ऊंचा पठार बन गया। पृथ्वी सागर में जब इंडियन प्लेट आगे की ओर बढ़ रहा था तो रास्ते में पृथ्वी सागर में जमा औषधि मलबा था, वो मलबा मुड़कर वलित हो गया, उससे हिमालय पर्वत की रचना हुई। चूंकि अभिसरण की प्रक्रिया उस समय तीन चरणों में संपन्न हुई थी इसलिए हिमालय की तीन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ठीक है, तो अभी तो हम चित्र समझा रहे थे, अब महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण। ऐसे अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य होने वाला अभिसरण क्रिया है, कन्वर्जन। चूंकि दोनों महाद्वीपीय प्लेटें हैं, महाद्वीपीय प्लेटें घनत्व में समान होती हैं, इसलिए अभिसरण के परिणाम स्वरूप यानी कन्वर्जन के परिणाम स्वरूप छेपण यानी डंप होने अभिसरण के परिणाम स्वरूप डंप होने की क्रिया नहीं होनी चाहिए थी, यानी छेपड़ की क्रिया नहीं होनी चाहिए थी। दोनों महाद्वीपीय प्लेटें हैं, घनत्व यानी डेंसिटी समान है, इसलिए अभिसरण के परिणाम स्वरूप डंप नहीं होना चाहिए था, किसी भी प्लेट को डंप नहीं होना चाहिए था, छेपड़ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दोनों समान घनत्व के टकरा कर रुक जाना चाहिए था। लेकिन इंडियन प्लेट के अग्रभाग में पृथ्वी सागर में जमा औषधि मलबा था, इंडियन प्लेट के अग्रभाग में पृथ्वी सागर में जमा औषधि मलबा था, इसलिए इन औषधि चट्टानों के चलते इंडियन प्लेट का घनत्व अपेक्षाकृत कुछ अधिक था। क्लियर? किसके चलते? पृथ्वी सागर में जमा औषधि मलबों के चलते, इसलिए इंडियन प्लेट का घनत्व कुछ अधिक हो गया, परिणाम स्वरूप छेपण क्रिया हुई, है ना? परिणाम स्वरूप इंडियन प्लेट डंप हुआ, लेकिन इंडियन प्लेट छेपित होकर यानी डंप होकर मेंटल में नहीं गया, बल्कि यह यूरेशियन प्लेट को ऊपर उठाकर उसके नीचे समानांतर रूप में प्रवेश कर गया। दोनों में अभिसरण की क्रिया नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि इंडियन प्लेट के अग्रभाग में पृथ्वी सागर में जमा औषधि मलबा था इसलिए इंडियन प्लेट का घनत्व कुछ ज़्यादा था, इसलिए छेपण यानी डंप की क्रिया हुई। लेकिन इस छेपण के परिणाम स्वरूप इंडियन प्लेट मेंटल में नीचे न जाकर यूरेशियन प्लेट को ऊपर उठाकर उसके नीचे समानांतर रूप में क्षैतिज रूप में समानांतर रूप में प्रवेश कर गया। परिणाम स्वरूप दो महाद्वीपीय क्रस्ट की दो तहें बन गई, महाद्वीपीय क्रस्ट की दो तहें बन गई, यानी एक महाद्वीपीय क्रस्ट दूसरी महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे प्रवेश कर गया, इसे दो महाद्वीपीय प्लेटों की तहें बन गई, एक के ऊपर एक। परिणाम स्वरूप इस स्थान पर तिब्बत जैसे विशाल पठार की रचना हो गई, यही कारण है कि हिमालय के पीछे तिब्बत पठार पाया जाता है। क्लियर? हिमालय प्लेट इंडियन प्लेट ही क्यों छेपित हुआ? इंडियन प्लेट ही क्यों छेपित हुआ? यूरेशियन प्लेट भी छेपित हो सकता था टक्कर के परिणाम स्वरूप, लेकिन इंडियन प्लेट इसलिए भी छेपित हुआ क्योंकि इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित है जबकि यूरेशियन प्लेट पूरब की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आपने देखा ना,
यूरेशियन प्लेट, ये देखिए यूरेशियन प्लेट, ये है भारत, भारत के उत्तर में ये देखिए दो प्लेटों के मध्य अभिसरण है, ये है इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट लाल वाला क्षेत्र अभिसरण क्षेत्र है, इसके उत्तर में क्या है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट पूर्व की ओर जा रहा है और इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, निश्चित रूप से जिसमें गति होगी सामने की तरफ बढ़ने की क्षमता होगी वही घुसेगा, इसलिए इंडियन प्लेट प्रवेश कर गया नीचे। तो इंडियन प्लेट ही क्यों क्षेपित हुआ, इसका एक कारण यह हो सकता है कि यूरेशियन प्लेट पूर्व दिशा में प्रवाहित है जबकि इंडियन प्लेट का प्रवाह उत्तर पूर्व दिशा में हो रहा है, उत्तर पूर्वी दिशा में, है ना, ठीक है। इसी प्रकार जब पैरा चेंज कर देंगे, इसी प्रकार जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रहा था तो यूरेशियन प्लेट के दक्षिण में टेथी सागर में जमा औसादी चट्टाने या औसादी मलबा मुड़कर वलित हो गया, जिससे इस स्थान पर हिमालय जैसे विशाल पर्वत की रचना हुई। चूंकि अभिसरण की क्रिया तीन चरणों में हुई इसलिए हिमालय में तीन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। वास्तव में हिमालय के नीचे अभिसरण की क्रिया भी खत्म नहीं हुई है, हिमालय के नीचे अभिसरण अभी भी जारी है, हिमालय के नीचे अभिसरण अभी भी जारी है, परिणाम स्वरूप हिमालय का उत्थान अभी भी जारी है, हिमालय का उत्थान अभी रुका नहीं है, इसीलिए हिमालय में भूकंप के तीव्र झटके आते हैं। यहां पर भूकंप का क्षेत्र कहां होगा आप बताइए, जहां पर दोनों प्लेटों के मध्य रगड़ हो रहा है, ये यहां पर रगड़ सबसे ज्यादा हो रहा है क्योंकि दोनों प्लेटों का यूरेशियन प्लेट का अग्र भाग यहां पे है, तो इस क्षेत्र में भूकंप के तीव्र झटके आते हैं। हिमालय पर नेपाल स्थित है, उत्तराखंड स्थित है, हिमालय में जितने भी क्षेत्र हैं भूकंप की दृष्टि से सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं क्योंकि अभिसरण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। भूकंप आता कैसे है, कैसे आता है मैं बता रहा हूं। अब इंडियन प्लेट उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रही है, इस प्रक्रिया में दबाव धीरे धीरे संचित होता रहता है, यानी यूरेशियन प्लेट पर दबाव धीरे धीरे काम करता है। कैसे, अब जैसे ये दो चीजें अगर टकरा रही हैं, ये आगे बढ़ रही है तो ये इसको ढकेल रही है, ढकेल रही, ढकेल रही है, आप ध्यान दीजिए, तो कभी तो ऐसा होगा कि ये छूट जाएगा, दबाव संचित होता रहता है, कभी कभी दबाव मुक्त हो जाता है ना, तो इसके चलते क्या है कि दबाव बनता रहता है, कई सालों बाद यहां से जब दबाव मुक्त होता है तो ऊर्जा का विशाल भंडार निकल जाता है ऊपर सतह की तरफ, इसलिए हिमालय पर स्थित राज्य बिल्कुल थरथरा जाते हैं। हिमालय क्षेत्र भूकंप जोन 5 के अंतर्गत शामिल किया जाता है, भूकंप की दृष्टि से सबसे ज्यादा संवेदनशील है। हम भूकंप का अध्ययन, ज्वालामुखी का अध्ययन, पर्वत निर्माण का अध्ययन अलग से भी करेंगे, ये तो आप पढ़ रहे थे प्लेट किनारे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि प्लेट किनारों के सहारे पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप क्रिया, महासागरीय रेज कटकों की उत्पत्ति, महासागरीय ट्रेंच यानी गर्तों की उत्पत्ति इत्यादि की व्याख्या करता रहता है ना। तो ये हो गया महाद्वीप, महाद्वीप अभिसरण। अब एक बचा हुआ है संरक्षी प्लेट किनारा, आप लोग कहते रहते हैं कि सर इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करिए, हाँ एक बात बताइए, आपके पास गूगल है और उसके अलावा तमाम तरह के ऐप हैं जो कि हिंदी शब्दों का बहुत ही आसानी से अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं, आप लोग क्या अभिसरण, अपसरण, क्रस्ट, सॉरी अभिसरण, अपसरण, टफ शब्द कितने हैं, अभिसरण हो, अपसरण हो, क्षेपण है, संवहन तरंग है, क्या ये चार छह शब्दों का आप लोग जो है कि गूगल से अंग्रेजी अनुवाद करके नहीं समझ सकते हैं। थोड़ा मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो दो चार अंग्रेजी शब्द आप ढूंढ लीजिए, बाकी शब्द तो वही आप भी बोलते हैं मैं भी बोलता हूं, ऐसा तो नहीं कि आप अंग्रेजी में ही बात करते हैं अंग्रेजी ही समझते हैं, भले ही इंग्लिश मीडियम में आप पढ़े हुए हैं आप लिखते हैं इंग्लिश मीडियम में, लेकिन अगर आप वास्तविक अभ्यर्थी हैं इंग्लिश मीडियम में तो निश्चित रूप से आप हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में बदल देंगे, क्योंकि आप इंडिया में ही रहते हैं, आप भारतवासी हैं, दो चार जो अंग्रेजी शब्द हैं उन्हें आप जैसे संरक्षित प्लेट किनारा आप जरा बताइए ढूंढ के, कि आप खुद बताइए, यहाँ तो मैं बता सकता हूँ लेकिन आप बताइए, क्योंकि मुझे लगातार पढ़ाना होता है, इतना ध्यान नहीं होता है कि कब कौन से शब्द का अंग्रेजी बोलना जरूरी था, ये पता नहीं चलता है मुझे, अगर पता चलता तो एक एक शब्द में बोल देता, लेकिन आप बताइए क्या गूगल करिए, लिखिए संरक्षी का हिंदी अनुवाद, क्या सामने नहीं आ जाएगा, तो थोड़ा मेहनत आप लोग भी करिए, छोटी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। प्लेट, एक चीज और आपसे कह दूं, हाँ बहुत जरूरी है, भूल रहा था मैं, कल सुबह 8 बजे एथिस के अध्यापक मिल गए हैं श्री आर के अग्रवाल, दिल्ली में
बहुत से प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में पढ़ाए हैं, नाम गिनाना अच्छा नहीं लगेगा। आर के अग्रवाल सर काफ़ी मैच्योर अध्यापक हैं एथिक्स के। ये लंबे समय से, जब एथिक्स विषय नहीं था तो लंबे समय से ये पॉलिटी भी पढ़ाया करते थे। गवर्नेंस, प्रशासन वाला हिस्सा जो अब है तृतीय प्रश्न पत्र में, गवर्नेंस भी पढ़ाया करते थे। इसके अलावा पब एड यानी लोक प्रशासन, पब्लिक एड इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था। पब्लिक एड ये ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी भी पढ़ाते हैं, है ना, और आप जानते हैं। और इसके अलावा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी भी इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था। तो आप जानते हैं कि एथिक्स का ज़्यादातर भाग मनोविज्ञान से लिया गया है और लोक प्रशासन से लिया गया है। इसलिए जब एथिक्स विषय आया तो आर के अग्रवाल सर दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थानों में जीएस के एक भाग के रूप में एथिक्स पढ़ाने लगे। उन्हें आर के अग्रवाल सर को मैं बुलाया हूँ, कल सुबह 8 बजे मेरे साथ थोड़ी देर नजर आएंगे, उसके बाद वो एथिक्स के सिलेबस पर थोड़ा सा लेक्चर देंगे, आपको समझाएंगे इस विषय का महत्व, चौथे प्रश्न पत्र को कैसे आप 110 प्लस या 120 प्लस तक पहुंचा सकते हैं। हमने कहा था कि एथिक्स के पेपर में औसत अंक 70 80 90 आता है, जो साधारण जो ठीक ठाक करते हैं उनका भी 80 से 90 के बीच आता है, लेकिन जो सिलेक्ट होते हैं उनका एथिक्स में नंबर 110 प्लस होता है। आपको 110 प्लस हासिल करना है, आर के सर का साथ मत छोड़िएगा, ठीक है। तो एथिक्स पर पढ़ाई कल परसों से शुरू है, चौथा प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र और चौथा प्रश्न पत्र अब रन करने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 3 एनसीईआरटी किताबों के लिंक दी गई है, जाके डाउनलोड कर लीजिए तुरंत से। नीचे सारे एनसीईआरटी किताबें आज नहीं हो पाई, 3 एनसीईआरटी किताबें हैं। एक तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं भौतिक भूगोल पढ़ा रहा हूँ, प्लेट, पर्वत, ज्वालामुखी, एवरीथिंग जो पढ़ाऊँगा, तो उसकी एनसीईआरटी नीचे है। उसके अलावा 2 भूगोल की अन एनसीईआरटी, यानी भूगोल की 3 एनसीईआरटी नीचे दी हुई है। ये है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरी है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और तीसरी है भारत का भौतिक पर्यावरण, भारतीय भूगोल में भौतिक पर्यावरण। ये तीनों एनसीईआरटी अगर आपके पास नहीं तो डाउनलोड कर लीजिए कहीं से, उसकी प्रिंटआउट निकलवा लीजिएगा, अच्छे से उसको बाइंड करवा लीजिएगा, ठीक है। ये सारी एनसीईआरटी बुक आपको काम देंगी, धीरे धीरे करके मैं सभी आपको अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप मेरे साथ जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ऊपर वही वाली बुक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। संरक्षित प्लेट किनारा, संरक्षित प्लेट किनारे के सहारे न तो प्लेटें अगल बगल विपरीत दिशाओं में सरकती हैं। संरक्षित प्लेट किनारे के सहारे, ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, प्लेटें अगल बगल सरकती हैं, ना सामने से टकराती हैं ना दूर हटती हैं, बल्कि अगल बगल सरकती हैं। जिस प्लेट किनारे के सहारे प्लेटें अगल बगल सरकती हैं उसे संरक्षित प्लेट किनारा कहता है। संरक्षित प्लेट किनारे के सहारे रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है, रूपांतर भ्रंश। इसे हम ट्रांसफॉर्म फ्लांट फॉल्ट भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है इस बीच के क्षेत्र में। इस उदाहरण के लिए दुनिया में सबसे रूपांतर भ्रंश यानी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का सबसे अच्छा उदाहरण कहां पे है? सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में है, कैलिफोर्निया क्षेत्र में। यहाँ कैलिफोर्निया क्षेत्र में 2 प्लेटें यहाँ पर अगल बगल सरक रही हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 प्लेटें अगल बगल सरकती हैं, वास्तव में एक तरफ इधर अमेरिकन प्लेट है, दूसरी नजका प्लेट का छोटा सा भाग है। यहाँ पे नजका प्लेट चला आता है यहाँ तक। तो जो भी हो, अमेरिकन प्लेट और नजका प्लेट आमने सामने न टकरा कर, दक्षिण अमेरिकन प्लेट से तो नजका प्लेट आमने सामने टकराती है, लेकिन यहाँ पर नजका प्लेट अमेरिकी प्लेट से आमने सामने न टकरा कर ऐसे ऐसे मूव करती है, यानी वहां संरक्षित प्लेट किनारे का निर्माण हो जाता है। संरक्षित प्लेट किनारों पर रूपांतर भ्रंश यानी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होता है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट अर्थात संरक्षित प्लेट किनारे के सहारे भूकंप के तीव्र झटके आते हैं। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट यानी संरक्षित प्लेट किनारे का सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका की कैलिफोर्निया क्षेत्र में सैन एंड्रियास फॉल्ट है। सैन एंड्रियास फॉल्ट या सैन एंड्रियास भ्रंश, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में सैन एंड्रियास भ्रंश या सैन एंड्रियास फॉल्ट संरक्षित प्लेट किनारे का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो कि रूपांतर भ्रंश है, यानी रूपांतर भ्रंश का सबसे अच्छा उदाहरण है।
संरक्षित प्लेट किनारे के सहारे न तो पदार्थ का निर्माण होता है और न ही पदार्थ का विनाश होता है, केवल अगल बगल रगड़ के चलते भूकंप के तीव्र झटके आते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर भूकंप संरक्षित प्लेट किनारे के सहारे ही आ सकता है, इसलिए अमेरिका का पश्चिमी भाग बहुत ही खतरनाक भूगर्भिक क्षेत्र के ऊपर स्थित है। अमेरिका का जो कैलिफोर्निया राज्य है वो धीरे धीरे टूट रहा है और एक समय टूटते टूटते वो अमेरिका से अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा आइए देखते हैं। यहाँ पे भी आप नहीं समझ सकते हैं इसको, आपको यहाँ पे भी समझाना पड़ेगा। आप देखिए ये क्या है, ये क्या अलुशियन द्वीपी चाप जो पश्चिम में चला गया है, ये क्या है, ये यूएसए, यूएसए का आप देख रहे हैं कैलिफोर्निया क्षेत्र, यहां पे ये क्या है दक्षिण में निकला हुआ, ये आप देखिए मैप में, अपने मैप में भी देख सकते हैं, ये क्षेत्र पहले यहां से जुड़ा हुआ था, है ना, यहाँ से, और इसी क्षेत्र में यहाँ पर कैलिफोर्निया क्षेत्र में ट्रांसफॉर्म फ्लैट फॉल्ट है, सैन एंड्रियास ब्रंस है। माना जाता है कि जब भूकंप का कभी तगड़ा झटका आएगा तो ये पूरा क्षेत्र टूटकर अमेरिका से अलग हो जाएगा, क्योंकि अलग होने की क्रिया आप देख रहे हैं यहाँ से शुरू हो चुकी है, तो ये पूरा क्षेत्र अमेरिका से टूटकर अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर संरक्षित प्लेट किनारा है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो यहां पर न तो पदार्थ का विनाश होता है, नहीं निर्माण होता, बल्कि रगड़ के चलते भूकंप के तीव्र झटके आते हैं। यह हो गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत प्लेटों की गतिशीलता का कारण क्या है, प्लेटों की गतिशीलता का कारण, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में समस्याएं क्या है, उसकी आलोचना किन आधारों पर की जा सकती है, प्लेटों की गतिशीलता कैसे होती है, प्लेटों में मूवमेंट कैसे आ जाता है। ये तो आपने देखा कि प्लेटें लिथोस्फीयर यानी प्लेटें कम घनत्व की हैं और नीचे स्थित अधिक घनत्व वाले दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरती हुई अवस्था में। तैरने का मतलब होता है प्लवन करना, लेकिन उसमें गति कैसे आती है, तो प्लेटों में गतिशीलता का कारण क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में समस्याएं क्या हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने किस तरह से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की समस्याओं को दूर किया, उसकी कमियों को दूर किया और विभिन्न भूगर्भिक संरचनाओं की पर्याप्त व्याख्या की, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एथिक्स वाले सर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।